सभी साथियों को राम राम, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट की नई भर्ती के बारे में, जो कि 2024 में आप सभी के लिए निकाली गई है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। साथ ही में क्वालिफिकेशन केवल 10th पास और 12th पास यहाँ पे रखी गई है। अगर पोस्ट की बात करें तो 3,508 यहाँ पे पोस्ट आपकी निकाली गई है, तो अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ चुकी है। तो फाइनली पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मैं देने वाला हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, ईच एंड एवरी थिंग इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो जैसा कि आप सभी यहां पे देख सकते हैं, ये जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है, भारतीय एविएशन सर्विसेज की तरफ से निकाली गई है। इससे पहले भी इनकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाए थे और बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे लास्ट डेट की वजह से। लेकिन फाइनली आप सभी के लिए दोबारा से वैकेंसी आ चुकी है। आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था और बहुत सारे बच्चों के कमेंट और मैसेज भी देखने के लिए मिले थे कि भारतीय एविएशन सर्विसेज वाली जो न्यू वैकेंसीज है वो कब दोबारा आएंगे। तो यहाँ पे ये वैकेंसी आप सभी के लिए आ चुकी है और इस बार आपकी ये जो वैकेंसी रहेगी वो कस्टमर सर्विस एजेंट एंड लोडर हाउसकीपिंग की आप सभी की रहने वाली है, जिसमें 10th एंड 12th सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैं आप सभी को यहाँ पे दूंगा, तो आप लास्ट तक कनेक्ट रहिएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप सभी को डिटेल में बताता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इंडियन एयरपोर्ट एज कस्टमर सर्विस एजेंट एंड लोडर हाउसकीपिंग की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है बाय भारतीय एविएशन सर्विसेज के द्वारा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल आपको दो तरह की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। पहले आपकी कस्टमर सर्विस एजेंट जो कि आपकी सीएसए की हो जाती है, जिसमें 13,000 से लेके 30,000 तक आपको सैलरी मिल जाती है। साथ ही में ये जो आपकी सैलरी डिपेंड करती है वो इंटरव्यू पे डिपेंड करती है। इसी में अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 यानी 12th पास आप होने चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। और इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 2,653 यहाँ पे निकाली गई है। इसके अलावा नंबर सेकंड पे बात आती है लोडर और हाउसकीपिंग की, तो इसमें टोटल 12,000 से लेके 22,000 तक आपको सैलरी मिल जाती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन केवल आपकी 10th पास होनी चाहिए और टोटल वैकेंसी आपकी 855 निकाली गई है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सी पोस्ट की कितनी क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरी और कितनी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जो सैलरी डिसाइड होती है वो आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एज लिमिट की, यहाँ पे एज लिमिट क्या होती है, तो देखिए अगर आप सीएसए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम होनी चाहिए 28 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अगर आप यहाँ पे किसी अदर कैटेगरी से आते हैं, जैसे एससी एसटी से आते हैं, तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, तो ओबीसी से आपको 3 साल की छूट मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं लोडर के लिए या हाउसकीपिंग के लिए, तो यहाँ पे आपकी एज मिनिमम 18 साल और अधिकतम 33 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होनी चाहिए। बाकी का एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज क्राइटेरिया काफी ठीक ठाक रखा गया। अगर आप 10th पास है तो 33 साल तक जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप सभी को इसकी क्वालिफिकेशन दी गई है। अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे सीएसए के बारे में, यानी कस्टमर सर्विस एजेंट की जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो 10+2 यानी 12th आपकी होनी चाहिए, इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट या इसके समकक्ष अगर आपने कुछ भी कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में देख सकते हैं नोट दोज हु आर परस्यूइंग देयर इंटरमीडिएट मे आल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ प्रोविजनली सिलेक्टेड दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द इंटरमीडिएट ऑन द बिफोर 1 सितंबर 2024। तो यहाँ पे जो परस्यूइंग वाले कैंडिडेट हैं ऐसे जिन्होंने एग्जामिनेशन तो 12th का दे दिया है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट होंगे 1 सितंबर 2024 तक आपके पास सर्टिफिकेट अगर आ जाएंगे तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे लोडर एंड हाउसकीपिंग की अगर हम बात करें तो लोडर एंड हाउसकीपिंग के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो हाई स्कूल यहाँ पे होनी चाहिए, 10th पास आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी 10th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, सिलेक्शन कैसे होता है, तो देखो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है या फिर ऑफलाइन भी एग्जामिनेशन हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहेंगी इसी के बेसिस पे। साथ ही में फिर आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी सैलरी वगैरह जो डिसाइड होती है
इसी के बेसिस पे यहाँ पे होती है। तो दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन विल देन वी इंटरव्यूड कैंडिडेट हु विल बी सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू देन देयर ज्वाइनिंग प्रोसेस विल स्टार्ट। तो इसके बाद जब आप यहाँ पे इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेबस की, कि सिलेबस में आप सभी का क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, तो वो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। दो पार्ट में आप सभी का यहाँ पे होता है, तो आप सभी देख सकते हैं। ऑल द पार्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे पूछे जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे देयर विल बी, यहाँ पे कोई भी आपका ब्रेक नहीं रहने वाला है। द सब्जेक्ट वाइज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एज पर द डिटेल बिलो। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन लेवल होता है काफी बढ़िया लेवल का यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश का आप सभी का होता है, जिसमें 40 मार्क्स आप सभी को दिए जाते हैं। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में आप सभी के जो टॉपिक्स रहते हैं करंट अफेयर्स के 10 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। साइंस एंड एविएशन नॉलेज के 10 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। सोशल स्टडीज के आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। मैथमेटिक्स के लिए आपको 15 मार्क्स दिए जाते हैं और रीजनिंग के लिए 15 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी के यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं 30 मार्क्स आप सभी के यहाँ पे हो जाते हैं। साथ ही में 30 मार्क्स यहाँ पे आप सभी के हो जाते हैं। तो टोटल आप सभी का पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जो कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन के लिए फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करवाता है और आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड होते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी एससी एसटी ऑल कैटेगरीज के लिए यहाँ पे बताया गया है। जो कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए यहाँ पे ₹380 प्लस जीएसटी आपको पे करना होगा। अगर आप अप्लाई करते हैं लोडर और हाउसकीपिंग के लिए, तो जनरल ओबीसी एससी एसटी ऑल कैटेगरीज के लिए ₹340 प्लस जीएसटी यहां पे आपको पे करना होगा, जो कि आपका फीस जो रहेगी नॉन रिफंडेबल रहेगी। आप सभी को पता है ये नॉन रिफंडेबल ही आपकी एप्लीकेशन फीस रहती है। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फीस क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो आपकी डेट्स है वो डेट देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 1 अप्रैल 2024 से। साथ ही में लास्ट डेट जो आपकी रहेगी 30 जून 2024 यहाँ पे रहने वाली है। एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो 30 जून 2024 तक आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। बाकी की जो डिटेल्स होंगी बहुत ही जल्दी वेबसाइट पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर मैं अप्लाई करने की बात करूं तो लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके डायरेक्टली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर भारतीय एविएशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आप सभी के पास रहेंगे। तो यहाँ पे आप सभी को पूरी जानकारी दे दी गई है। बाकी का अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो फटाफट से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको भी एयरपोर्ट में जॉब मिल पाए। आई होप पूरी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।